भाजपा द्वारा अखन सदस्यता अभियान चलाओल जा रहा है। आई करीब में सुपौल में सेहो सदस्यता अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान वक्ता सब कहलन जे पिछला 27 तारीख से राष्ट्रीय अभियान के तहत भाजपा पूरा देश में सदस्यता अभियान चला रहा है। एहि के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग के भाजपा के सदस्यता दिया जा रहा है ताकि 2019 में केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के सरकार बन सके और देश उन्नति के पथ पर आगा बढ़े। सुखी भारत समृद्ध भारत के लोग भाजपा के नेता सदस्यता अभियान के शुरुआत के लेने पूर्व विधायक सह भाजपा नेता किशोर कुमार मुन्ना के अगुवाई में सदर बाजार के पटेल चौक पर सदस्यता अभियान चलाओल गेल। भाजपा नेता कैंप लगाकर 9 सदस्य के भाजपा के सदस्यता दिलन। पूरे देश में देशव्यापी सदस्यता अभियान पिछले 27 तारीख से चल रहा है। उसी के तहत आज वार्ड नंबर 10 पटेल चौक पर शक्ति केंद्र संख्या 7 ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर, गांव में, वार्ड में, मुख्य चौराहा पर ये कार्यक्रम सार्वजनिक जगह ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़ रहे हैं। वैसे सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के जिनको सदस्यता नहीं है उन तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इस देश को सशक्त और मजबूत बनाना है, भारत फिर दुनिया का नेतृत्व करे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो देवतुल्य होता है, उसे भगवान का एक तरह से भगवान जैसा उसका माना जाता है, इसलिए आज ये सदस्यता अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आज विस्तार, पिछले दिनों 11 करोड़ सदस्य दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन अब है उससे भी बड़ी पार्टी बनाना है, जन जन का पार्टी बनाना है और आने वाले समय में जो कांग्रेस मुक्त भारत है उस सपना को साकार करना है जो कांग्रेस ने 70 वर्ष तक इस देश के आजादी के साथ, इस देश के विकास के साथ, इस देश के एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव समाज के अंतिम व्यक्ति तक